तो कैसे हो बंटाई लोग, एकदम मस्त। बहुत दिनों बाद मेरा चैनल में मोस्ट वेलकम आप लोगों को। तो आज मैं बात करूंगा केआरके के बारे में। मतलब इतना दिन से यूट्यूब देख रहा था सिर्फ केआरके, मतलब दिमाग चटिया गया है। मैं रिव्यू करूंगा, मेरा चैनल है, मेरा इंट्रो तो लगाने चलो। रिव्यू करूंगा कैरी मिनाती का, यानी कि अजय नागर का। बेटा नागर क्यों रखा है नाम तूने, सीधा नगर ही रख लेता। अबे भेसड़ी के मतलब तू अपना नाम में के आर के ही क्यों रखा? भोसड़ी के मतलब रखा नहीं, मतलब जिसने भी रखा है के आर के क्यों रखा? सीधे कमल पसंद ही रख देता ताकि सब लोग उसको चबा के तेरे गांड पे ही थूक सके। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले तो फौरन चैनल सब्सक्राइब कर लो। तेरा चैनल सब्सक्राइब करना है लोग, ताकि रोज रोज तेरा टट्टी देख सके। अबे भेसड़ी के सब्सक्राइब को दूर की बात है बहनचोद, डिसलाइक दे अपना गान फाड़ दिया डिसलाइक बटन का। वो कौन था वो गमछा वाला? ये आज का दिन में कोई कुत्ता भी नहीं पूछ रहा है उसको, हैंडसम कुत्ता भी भाव नहीं दे रहा है उसको, तेरा भी यही हाल है। तो बनता है लोग, एक ही बात बोलता हूँ, अपना एक्स को चाहे तो एक्स वाई जेड ब्ला ब्ला कुछ भी बना लो, लेकिन एक कुत्ता का ना चैनल सब्सक्राइब मत करना। तो आज मैं हर बार की तरह बोल रहा हूँ, अपना अपना ईयरफोन कान में डाल लो और कुर्सी का पेटी बांध लो, ताकि आज मैं इसकी माँ बहन नहीं, ये कर रहा है ना कैरी का माँ बहन, तो इसकी आज मैं माँ बहन नहीं पूरा खानदान करने वाला हूँ, वो भी अच्छा से। क्योंकि इस वीडियो में बहुत माँ बहन होने वाली है, इसको लोगों की माँ बहन करने का बहुत शौक है। अबे कैरी ने तेरे को सही तरीके से माँ बहन नहीं, भोसड़ी की तेरा गांड फाड़ी थी गांड, वो भी 3 साल पहले, आज आंखें खुल रहा है तेरे को। अबे तेरा मैन से पूरा सिस्टम ही स्लो मोशन में चल रहा है तू। लुके अजय, तूने बेटा ये अजय में एक ही जगह ई क्यों लगाया है? मतलब ई लगाने से तू बहुत बड़ा सुपरस्टार बन जाएगा। कोई सेंस है इस बात की? कोई सेंस है नहीं, तुम लोग खुद बताओ इस बात की कोई सेंस है? अबे तेरी बहन की कुत्ता काटू, मतलब उसका मर्जी है, वो ए लगाए ई लगाए जेड लगाए एक्स वाई जेड कुछ भी लगाए, उसका मर्जी है, तू अपना गांड क्यों जला रहा है ये बहनचोद? तू तेरा मर्जी है, तू हाग रहा है यूट्यूब में, उसका मर्जी है, जो कुछ करना है कर रहा है, तेरा जैसे तो पेला नहीं गया है ना वो। बेटा कैरी, अब तू फिल्म में काम कर रहा है, एक्टर बनेगा? अबे लुखे एक्टर कैसे बनेगा, तुझे क्या लगता है कि तू एक्टिंग कर पाएगा? अबे भेसड़ी के तू निकला बहुत बड़ा एक्टर, बहुत बड़ा एक्टर है तू, चल अपना एक्टिंग करके बता। मगर क्यों? हैज प्रूव तू है बहुत बड़ा सुपरस्टार है तू। नहीं, कोई नहीं बोलेगा सुपरस्टार नहीं है, बहुत अच्छा एक्टिंग किया, धासु एक्टिंग किया है, सुपरस्टार तू घोषित हो गया, तू मतलब बहुत बड़ा इंडिया का सुपरस्टार था, तू अभी भी है मेरा लांग से। क्या तू तो पेला गया है बहुत साल पहले, अब तेरा आंखें खोल रहा है हागने को? बहन तू एक 3-4 साल पहले खाया था, अभी हाग रहा है तू? तुझे चुतिया को लगा कि तू एक्टर हो गया, तुझे एक्टिंग आ गई? अबे बेटा आईने के सामने खड़ा होके एक दफा अपनी शक्ल देख ले, भोसड़ी के तेरी शक्ल जो है ना वो छछुंदर जैसी है। हाँ आप आएंगे ना मजा, मतलब देखो बॉडी शेमिंग तो नहीं करना है, मतलब मैं कभी भी मेरा कहीं वीडियो में देखो कभी बॉडी शेमिंग किया ही नहीं, लेकिन अगर इसने बॉडी शेमिंग किया है ना तो अब तो हक बनता है भाई, अपन भी पेल देते हैं इसको। मतलब उसकी शक्ल का बात कर रहा है, खुद का देख, ये देख खुद का शक्ल देख, मतलब मेरा मैं जो रोज घर से निकलता हूँ ना एक कुत्ता है, मतलब जब उसको देखता हूँ ना पता है किसका याद आता है? इसकी देखो शक्ल देखो, मिल रही है ना? तो तू दूसरे का शक्ल के बात मत करियो बहनचोद, नहीं तो गांड फाड़ के स्वेटर बना दूंगा कभी। तो बेटा कैरी, अब तू फिल्म में काम कर रहा है, एक्टर बनेगा? नहीं, फिल्म में काम कर रहा है तेरा गांड फाड़ने के लिए। एक्टर कैसे बनेगा, तुझे क्या लगता है कि तू एक्टिंग कर पाएगा? फिर से वही बकचोदी, फिर से एक्टिंग का बात। अबे चल फिर से तू अपना एक्टिंग करके बता। मगर क्यों? एक्टिंग, वाओ एक्टिंग मस्त। तू वीडियो बनाता था वो अपनी दिल्ली की खोली में बैठ के, एक तरफ तेरा बेड पड़ा हुआ है जिसमें तू सोता है, एक तरफ एक कुर्सी पड़ी हुई है, बीच में बैठ के तू वीडियो बनाता था। मतलब इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, एक साइड में दीपक कलाल एक साइड में संदीप शाह, ताकि साकी साकी कर सके। अरे बहनचोद कोई सेंस है क्या? चुतिया को लगा कि तू एक्टर हो गया, तुझे एक्टिंग आ गई। अबे पढ़े लिखे जाहिर सुतरी के एक्टर वही होता है जिसको एक्टिंग आती हो, तेरे जैसे ऊह आ करने से एक्टर नहीं बनता। अबे भेसड़ी के तू अपना शक्ल जाके देखियो मिरर में, काले कुत्ते की गाड़े के जैसा है तू। और चलता
कैसा है तू गांड को हिला के इधर उधर इधर उधर, जैसे फर्स्ट टाइम लौंडा मरवाते हुए इधर उधर करता है ना। हाँ, बहुत एक्सपीरियंस है तेरे को, कैसे चलता है, जैसे वो पोर्न स्टार को गैंग में होने के बाद मटक मटक के चलते है ना, तू भी तो चला करता था ऐसे। तेरे को तो पेला गया था ना, तो तेरे को बहुत अच्छा से एक्सपीरियंस होगा। ये सब बात ही तू बोल रहे है, तू और कुछ नहीं बोल रहा है, खुद को खुद का बायोग्राफी पेश कर रहा है, तू उसको नहीं बोल रहा है, तेरा सब जो हुआ ना वही तू बोल रहा है। गांड पे तेरी एक भी बाल नहीं है। है? अरे भूल गए क्या भेसड़ के, अबे तू ही तो चाट के सब बाल खत्म किया रे। गांड पे तेरी एक भी बाल नहीं है और ऊपर से कहता है कि तू एक्टर बनेगा। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। भाई एक्टर होने के लिए गांड में बाल होना चाहिए, मतलब लॉजिक गया मां सुधाने, मतलब जैसे सलमान भाई की फिल्म में फिजिक जाता है गांड मारने, ऐसे ही मतलब अब तो कोई लोग आ जाएगा कमेंट पे वही बोलना, अरे भाई सलमान भाई को की बोलेगा, अजी लंड मेरा कुछ भी कर लो जाओ, कमेंट पे जो जो हागेगा ना मां कसम बोल रहा हूं। मुझे तो लगता है बेटा कि तू हाफ बिरयानी है। अगर तेरा हिसाब से केरी हाफ बिरयानी है ना, मतलब फिर भी लोग खाएंगे, लोग पसंद करेंगे। अबे तू तो बिरयानी में डालने वाला वो इलायची है जो लोग उठा के फेंक देते है, तू तो वही है भाई, मतलब लोग उठा के तेरे को फेंक रहा है फिर तू उठ के आ रहा है। तेरे बारे में वीडियो बनाना, तेरे बारे में कुछ कहना, जैसे तू लोगों की मां बहन करता है वैसे ही तेरी मां बहन करना, तुझे पब्लिसिटी देना था। अबे तू इतना आज इतना क्यों भोग रही है, मतलब तू मतलब देख केरी का जितना पब्लिसिटी है ना, तू पूरी जिंदगी मरवा लेगा ना, फिर भी तेरा औकात का बाहर है। दोस्तों इन फिल्म वालों का दोगलापन देखो, अगर कोई चूतिया भी कह देता है तो ये कहते हैं वो तो गालियां देता है। अबे वो आतिशबाजी लोड़ो, अगर कोई गाली भोगता है ना तो उसी को तू जज मत कर सकता कि वो अच्छा आदमी है या खराब आदमी है, ऐसे भी तू बिना गाली का क्या उखाड़ा। हाँ एक ही से उखाड़ा, मैं तो भूल जाता हूँ, तू एक ही से उखाड़ा, मरवाते मरवाते पूरा जिंदगी बर्बाद कर दिया, तू वही उखाड़ा और कुछ नहीं उखाड़ पाएगा तू। और पब्लिसिटी पब्लिसिटी मत कर, मैंने जो बोल दिया ना, मैं केरी का जितना पब्लिसिटी अभी है ना, तू पूरा जिंदगी गुजार ले, तू मरवाते मरवाते जिंदगी गुजार ले, फिर भी तेरा औकात से बाहर है। तुझे लड़की का रोल ही मिलना चाहिए, इससे ज्यादा भोजन की तेरी औकात नहीं है कुछ करने की। अबे ओ मुठ्ठलबाजी चाचा, ओह सॉरी, मतलब इसका यही भी तो मुठ्ठलबाजी चाचा बोल के भी क्या होता। अबे ओ सुनो भोसड़ी वाले चाचा, मतलब तू तो पैदा ही हुआ अपने गांड में डंडा फंसा के, तो भोसड़ी के तो दूसरे को जांच कैसे करेगा, तू अपना गांड पे ही डंडा फंसा के रख, दूसरे के गांड में उंगली मत कर तो पेला जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही था, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा ना तो यार लाइक कर देना, और जो जो मेरा चैनल में नया है और जो सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा है ना उसको डंडा से मारो या कहीं से भी मारो, उसको सिर्फ दबा दो, सब्सक्राइब कर देना यार। और मेरा जो जो मेरे से मतलब बात करना चाहता है वो कहीं पे भी आ रहा है इधर उधर, इंस्टाग्राम का नाम दे दिया हूँ मैं ISK Race, उसको फॉलो कर देना, फॉलो कर सकते हो, वीडियो को शेयर कर देना यार। तो आज के लिए बस इतना ही था, टाटा बाय बाय, फिर एक मिलते हैं अच्छा ब्रांड न्यू वीडियो लेके, और प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। टाटा बाय बाय, पीस।